Camarada, começou a reta. Vai, papá! Vai, Nu! Vai! Melhor que eu, né? O. Strawberry? Onde está aquele? Oi. Tudo aquele? Dolo, Pele. Ishan. Ishan. Ishan! Papá. Papá, acorde-me, papá. Papá, please, acorde-me. Papá! Papá, acorde-me, já que, ok? माया ईशान को बुखार था थर्सडे को नहीं तो ये क्या एब्सेंट नोट मैंने ये नोट नहीं लिखा ईशान इधर आओ कम हियर ईशान इधर आओ फौरन इधर आओ ये क्या है? क्या मतलब है इस नोट का? जवाब दो ईशान वरना इतना मारूंगा के नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, मेरी आंखों में and answer me, where the hell were you on Thursday? Where? मैं पूछती हूँ, कहाँ गए थे बेटा? स्कूल नहीं गए तो कहाँ गए? बोलो बेटा कहाँ? Answer, God damn it! क्या? क्या बोल रहा है? Bunk. What? स्कूल बंक किया ईशान बंक किया और क्या किया क्या किया कहां गए कहां रोड रोड व्हाट रोड कौन सा रोड किसके साथ गए अकेले अकेले दिमाग खराब है तुम्हारा आर यू आउट ऑफ योर ब्लडी माइंड सारे शहर में अकेले घूम रहे थे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया Idiot! ये क्या हो रहा है यहाँ? सुना तुमने? अगर कहीं खो जाता तो कहाँ ढूंढते इसे हम लोग? और ये किसने लिखा ये एब्सेंट नोट? तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, bloody duffer, idiot! इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते? ईशान किसने लिखा ये नोट? बताओ किसने लिखा ये? ईशान, this is the last time I'm asking you, who wrote this absent note? बोलो कैसा लिखा बता टेल मी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं बिल्कुल पिछले साल की तरह बुक्स स्टिल इज एनिमीज पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है जान बूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है ऑल द टाइम आस्किंग फॉर परमिशन टू गो टू द टॉयलेट आई एम टर्स्टी आई वांट टू डू सुसू टर्स्टी सुसू टर्स्टी सुसू डिस्टर्ब्स द होल क्लास विद हिज सिली प्रैंक्स और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे पिछले वेंसडे को पेरेंट सिग्नेचर के लिए आज तक वापस नहीं आए दे वर अ साइट आई टेल यू मिसेस अवस्थी In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, maths test. 3 into 9 is equal to 3. बस, इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए. कौन मानेगा ये युहान अवस्थी का छोटा भाई? Mr. अवस्थी? Yes. वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी शायद इसे कोई प्रॉब्लम है क्या मतलब शायद वो कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं
और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। हटा वहां से, ए बोला ना तेरे को, हटा वहां से। Thinks my son is a retard. सोचती है मेरा बेटा नॉर्मल नहीं। अरे क्लास में 60-60 बच्चे भर रखे, क्या खाक ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे पे? Bloody nonsense, idiots. क्या नहीं किया मैंने? बच्चों की खातिर जॉब करी और सब छोड़ दिया। खुद लेसन लेती हूँ सुबह शाम, ईशान ईशान ईशान। No Maya, it's not your fault. ये ऐसे नहीं सुधरेगा। ओके ओके, मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट सुरेश, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट बाय। डन। लेकिन टर्म के बीच में? अरे सुरेश कपाड़िया के चाचा स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं। मैं कल ही हेडमास्टर से मिलकर फीस वगैरह सब भर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गो। शान, बकवास बंद करो, खाना खाओ चुपचाप अपना। नहीं जाऊंगा। ये साल पूरा कर लेने देते हैं फिर। आई मीन नंदू, आज तक मेरे बगैर रहा नहीं है ये। अरे आदत डालनी होगी इसको। और तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी, वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे, दोबारा फेल करके निकाल देंगे। फिर कहां जाएंगे हम लोग? देखो देखो कैसे घूर रहा है। नो ब्लडी रिग्रेट ऑन हिज फेस। वहां बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे। आज यहां से नोट लिखवाया, कल पता नहीं क्या करेगा। मेरा यकीन करो माया, बाप हूं मैं इसका। फीस हमारे बजट के बाहर है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग किसी तरह से। दिवाली के बाद टर्म शुरू हो जाएगी इसकी। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो। पापा पापा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल। पापा मुझे नहीं जाना। पापा बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रहा हूँ मुझे। मामा आप पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। पापा प्लीज नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। अच्छा चुप। बोर्डिंग स्कूल तो जाना पड़ेगा।